कदा आस्वादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, सुभाष प्रभु महाराज अभी तक नहीं आए ना? हरे कृष्णा। या आनंद किशोर प्रभु? हाँ, हम लोग हैं प्रभु ऑनलाइन। ओके ओके सर। हरे कृष्णा प्रभु। तो महाराज आपको बहुत बहुत स्वागत आज के नित्यम भागवत श्रेया सत्र में। तो मेरा खुद शुद्धिकरण और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए महाराज के बारे में 2 शब्द बोलने का प्रयास करूंगा। तो परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं और इस्कॉन में बहुत सुंदर तरीके से इतना एक श्रेष्ठ वरिष्ठ सन्यासी भक्त हैं और मायापुर में भी बहुत सारे सेवाएं महाराज जी हाँ, और हमारा परम सौभाग्य है उनको कई बार महाराज का संग मिला है और आज भी हमको कृष्ण कथा और NBS में महाराज का विशेष संग प्राप्त हुआ है। तो हम महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद बताएंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। ओवर टू यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो वी रीडिंग श्रीमद् भागवतम। दिस इज कैंटो 11 चैप्टर नंबर 22 बिगिनिंग टेक्स्ट नंबर 32। एवं त्वद् अग्नि श्रवणादि चक्षुर जिह्वादि नासादि सचित्तयुक्तम्। ट्रांसलेशन यू गोना रीड? प्रभु आप हिंदी पढ़ेंगे उधर कोई? हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। इसी तरह से त्वचा, कान, आंखें, जीभ तथा नाक जैसी इंद्रियां तथा सूक्ष्म शरीर के कार्यों यथा बद्ध चेतना, मन, बुद्धि तथा अहंकार की व्याख्या इंद्रिय अनुभूति के विषय तथा अतिष्ठाता देव के तेरे अंतर के रूप में की जा सकती है। तात्पर्य आत्मा का इंद्रियों इंद्रिय विषयों तथा अधिष्ठाता देवों के अन्योन्याश्रित कार्यों से कोई स्थायी संबंध नहीं है। जीव मूलतः शुद्ध आत्मा है और वैकुंठ लोक में वह भगवान पर आश्रित रहने के लिए है। इसलिए पदार्थ तथा आत्मा को एक ही कोटि में व्याख्यायित करने का प्रयास व्यर्थ होगा क्योंकि उनका संबंध भगवान की विभिन्न शक्तियों से होता है। इस तरह भगवान उनके धाम तथा अपने आप को देखने का कार्य शुद्ध कृष्ण भावनामृत में अनुभव किए जाने वाली भौतिक विधि से सर्वथा विपरीत है। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तमरंदस्य ज्ञानंजना शारदायास चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वे हियरिंग लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द क्रिएशन मटेरियल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हम सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण समझा रहे हैं क्या क्या भौतिक तत्व हैं निर्माण के और किस प्रकार से ये प्रस्तुत होते हैं। So our commentators on this verse point out
that the soul has no relationship with any of these functions of the body. तो यहाँ पर जो टिप्पणीकार है वो बता रहे हैं कि जो आत्मा है उसका कुछ संबंध नहीं है जो विभिन्न कार्य है शरीर के उनके साथ. The materialistic common people, they're not able to understand that there are different energies of the Supreme Lord. There's the material energy and there's the spiritual energy. जो भौतिक व्यक्ति हैं वो आमतौर पर नहीं समझ सकते हैं के विभिन्न प्रकार के भगवान की शक्ति है, एक भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है. हरे कृष्ण. So, the living entity is a spiritual particle of the Supreme Lord. He has an eternal relationship with the Lord. तो जो जीव है वो आध्यात्मिक अंश है भगवान का, उनका संबंध है भगवान के साथ. But people speculate, philosophers, jnanis, and people like the Buddhists, they will try to analyze the body, and they will include within the body, they will include the spiritual particle. परंतु जो विभिन्न विभिन्न तत्वकारी हैं जैसे बुद्धिस्ट हैं वो सोचते हैं इस प्रकार से कि भौतिक तत्व क्या है और वो ये जीव को भी एक भौतिक तत्व में ही उसकी गिनती करते हैं. They cannot understand how there's a supreme controller above everything. वो नहीं समझ सकते हैं कि हर किसी के ऊपर एक परम नियंत्रक है. To actually understand the Lord and His abode, and to understand our own self as a spiritual being, requires Krishna consciousness. तो भगवान को समझना जो भगवत धाम में है और अपने आप को समझना एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह, उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है. The process of Krishna consciousness is based on being freed from sinful reactions. कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया वो आधारित है पाप कर्मों से के फलों से मुक्त होने पर. And engaging in the service of the Lord. और भगवान की सेवा में लगने पर. But to just simply try to understand everything by speculative knowledge, then one will never come to the perfect conclusion. परंतु हर कुछ चीज हम अपने मन से, हमारी कल्पना से अगर सोचने का प्रयास करेंगे तो हम सही निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे. In the Brahma Samhita, Lord Brahma says, Pantastu koti satavatsara sampragamyo vayorata bimanaso muni pungavandam. That even if you travel at the speed of the mind, still then you'll never be able to approach the lotus feet of Govinda. तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि अगर आप मन की जो गति है उस पर आप भ्रमण करोगे तो भी आप भगवान कृष्ण के चरण कमल तक नहीं पहुंच सकोगे. So, in Bhagavad Gita, Lord Krishna has also described that the process of knowledge takes many, many lifetimes. भगवत गीता में भी कृष्ण ये बताते हैं कि ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसको, उससे भगवान को पाने में बहुत जन्म जन्म लग जाएंगे. बाहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवम मम प्रपजन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ. After many births and deaths, when one is actually in knowledge, then he will surrender to Krishna. But such a soul is very rare. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. भगवान कहते हैं कि बहुत सारे जन्म और बहुत सारी बार मरने के बाद कोई जीव भगवान के पास पहुंच सकता है और उस प्रकार का जीव भी बहुत दुर्लभ है. So, by knowledge alone, one will not be able to, it will be very, very difficult for one to come to perfection and knowledge. तो केवल ज्ञान से बहुत बहुत कठिन है कोई परम सिद्धि प्राप्त करेगा और सत्य ज्ञान प्राप्त करेगा.
So we see just making an analysis of everything, the senses, the object of perception, the presiding deities. These three distinctions are there. But it's a very long process. तो देखिए अगर हम समझ सक अगर हम इस प्रकार से इन तीन चीजों को समझने का कोशिश करेंगे, जो विग्रह है, जो इंद्रिय है, जो ज्ञान है, तो इस प्रकार से इनका इनको एक एक को समझने के बाद अगर हम भगवान तक पहुंचना चाहेंगे, बहुत कठिन है। We simply the devotee, but I was reading Prabhupada's purports to prayers by Queen Kunti, and he was saying that the people of Vrindavan, they don't know anything about the process of creation. तो मैं शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहा था, कुंती महारानी की जो प्रार्थना है वहां से, तो वो कहते हैं वहां पर पीपल ऑफ वृंदावन, वृंदावन, जो वृंदावन वासी है वो निर्माण कैसे होता है इस जगत का, उस विषय में नहीं जानते हैं। They simply love Krishna. वो बस कृष्ण से प्रेम करते हैं। They say, you don't have to understand the process of creation. You just have to love Krishna. निर्माण कैसे होता है ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कृष्ण से प्रेम करना है। Mother Yashoda, Nanda Maharaj, the cowherd boys, the cowherd girls, they all just love Krishna. तो माँ यशोदा, नंद महाराज, जो गोप हैं, जो गोपियां हैं, वो केवल कृष्ण से प्रेम करती हैं। They don't know anything about all of this knowledge, analyzing all the elements of the creation. तो इनको इस प्रकार के ये ज्ञान के बारे में और जो विभिन्न विभिन्न तत्व हैं, भौतिक तत्व निर्माण के, उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। They just simply love Krishna. वो बस भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। So that is pure Krishna consciousness. तो ये शुद्ध कृष्ण भावनामृत है। Okay, we'll go on to text number 33. 33वें श्लोक पे जाएंगे। प्रभु आप पढ़ेंगे हिंदी में। हरे कृष्णा, सुभाष प्रभु, नंदकिशोर प्रभु महाराज श्लोक पढ़ेंगे। महाराज, यू कैन रीड इन इंग्लिश। Okay, when the three modes of material nature are agitated, the resultant transformation appears as the element false ego in three phases, goodness, passion, and ignorance, generated from the Mahatattva, which is self-produced from the unmanifested Pradhan. This false ego becomes the cause of all material illusion and duality. Anuvad or Tatpariya? Yeah. Sorry, Maharaj. No, go ahead. You read Hindi. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जब प्रकृति के तीनों गुणों विक्षुब्ध होते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वह अहंकार तत्व की तीन अवस्थाओं में प्रकट होता है। ये हैं सात्विक, तामस तथा राजस। यह अहंकार जो महत तत्व से उत्पन्न होता है और जो स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से उत्पन्न है, समस्त भौतिक मोह तथा द्वैत का कारण बन जाता है। तात्पर्य, तीन गुणों के साथ पहचान के अपने अहंकार को छोड़कर मनुष्य शुद्ध आदि अवस्था कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकता है। मोह विकल्प हेतु शब्द सूचित करता है कि मनुष्य अहंकारवश अपने को प्रकृति का भोक्ता समझता है और इस तरह सुख दुख के रूप में भौतिक द्वैत का मिथ्या भावन भाव उत्पन्न कर लेता है। अहंकार तो तब हटता है जब मनुष्य अपने को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भगवान का नित्य दास समझता है। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। सो वी वांट टू लर्न फ्रॉम दिस हाउ टू गिव अप द फॉल्स ईगो। तो इससे हमें सीखना है कि झूठा अहंकार कैसे छोड़ेंगे। As described here, the false ego is the cause of material illusion and duality. यहाँ पर बताया गया है कि जो झूठा अहंकार है उससे प्रस्तुत होता है भौतिक भ्रम और द्वंद। So that false ego keeps us in this material world.
और ये जो गलत झूठा अहंकार है वो हमको इस भौतिक जगत में ही रखे रखता है। But that false ego can be removed as soon as we identify ourselves as the servant of Krishna. और वो झूठा अहंकार हम निकाल सकते हैं तुरंत जैसे हम अपनी पहचान कर लें कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं। Yeah, the false ego is thinking I am the enjoyer, and the pure ego is to understand I am the servant of Krishna, who is the enjoyer. तो झूठा अहंकार हमें सिखाता है कि हम भोक्ता हैं और जो सही अहंकार है वो हमें ये बताता है कि कृष्ण भोक्ता है और हम उनके दास हैं। The material nature is for Krishna's pleasure, it's not for our enjoyment. तो जो भौतिक सृष्टि है वो भगवान के भोग के लिए है, हमारे भोग के लिए नहीं है। Bhagavad Gita describes prakriti. There's two kinds of prakriti. You have the inferior prakriti, the great elements, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. And you have the superior prakriti, the living entity. तो भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि एक छोटी प्रकृति है और उससे परे एक उत्तम प्रकृति है। जो पहले छोटे प्रकृति का भाग है ये जो पांच भौतिक तत्व भूमि अपो नल वायु खम और तीन सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार और उससे परे जो उससे श्रेष्ठ प्रकृति है वो है जीवात्मा। So living in Bhagavad Gita, Lord Krishna describes apariyamitasyam tvanyam prakritim vidime param. Jiva bhuta mahabhayo yedam daryate jagat. That we're trying to exploit the material nature for our enjoyment. We're not understanding that we are meant to be, that we are also prakriti and we're meant to serve the Supreme. तो भगवत गीता में कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं पर इदम प्रकृति विद्धि मी परा जीव भूत महाबाहो या इदम धारियते जगत के हम इस एक प्रकृति ये भौतिक तत्व है दूसरी प्रकृति जो जीव आत्मा है और वो जीव आत्मा यहाँ पर कष्ट भोग रही है क्योंकि हम ये भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं। And Lord Krishna explains the result of this consciousness. When he says, Mami Vamsa Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, Manashastani Indriyani, Prakriti Stani Karshati, that we're getting a lot of trouble from the material nature. And Bhagavan Krishna batate hain ki is prakar ki chetna rakke kya parinam nikalta hai. To wo is shlok ke madhyam se batate hain. कि प्रकृति ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातना मना शिष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती कि इस प्रकार की चेतना रख के हम इस भौतिक जगत में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। So we want to purify the ego, come to the pure ego. Jiveshwar Bahai Nitya Krishna Das. Mahaprabhu is taught we are eternally the servant of Krishna. तो हमको सही अहंकार में आना है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं। Go ahead, text number 34. 34वें श्लोक पे जाएंगे। Yes. हरि बोल प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। दार्शनिकों का यह काल्पनिक विवाद की यह जगत सत्य है अथवा यह जगत सत्य नहीं है परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है और भौतिक द्वैत को समझने के लिए ही है। यद्यपि ऐसा विवाद व्यर्थ है किंतु जिन व्यक्तियों ने अपने वास्तविक आत्मरूप मुझसे अपना ध्यान हटा लिया है वे इसे त्याग पाने में असमर्थ हैं। तात्पर्य यदि कोई व्यक्ति भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह करता है तो वह भगवान की सृष्टि की सत्यता के बारे में अवश्य ही संदेह करेगा। इस तरह भगवान कृष्ण को समझे बिना मात्र भौतिक जगत की सत्यता तथा असत्यता के विषय में तर्क या वाद विवाद करना व्यर्थ है। यह भौतिक जग इसलिए सत्य है क्योंकि यह परम सत्य भगवान कृष्ण से उद्भूत है। भगवान कृष्ण की सत्यता को समझे बिना कोई व्यक्ति उनकी सृष्टि की सत्यता का निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकता। उसे सदैव आश्चर्य होता रहेगा कि मैं
सचमुच किसी वस्तु को देख रहा हूँ या केवल यह सोच रहा हूँ कि मैं उसे देख रहा हूँ। ऐसी कल्पना को भगवान की शरण में गए बिना सुलझाया नहीं जा सकता, अतएव यह व्यर्थ है। भगवान के भक्तों को ऐसा विवाद पसंद नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में आध्यात्मिक प्रबुद्धता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और कृष्ण भावनामृत के उसी अति सुंदर अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण महाराज। Yes. So very important points here. Understand how people, materialistic people, engage themselves in so much arguments about the reality of the material world. यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे भौतिक व्यक्ति आपस में इतना विवाद करने बैठते हैं भौतिक सच क्या है उसको जानने के लिए। The jnanis, the impersonalists, the Buddhists, they will spend a lot of time debating on these issues. जो ज्ञानी है, जो निराकारवादी है, जो बुद्धिस्ट है, वो बहुत समय बर्बाद करते हैं इन बातों में चर्चा करने के लिए। But as pointed out here by Lord Krishna, that they're simply wasting their time. पर भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं वे केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। Kali Yuga, people will like to argue. They'll never come to any conclusion. कलयुग में लोग एक दूसरे से केवल विवाद करना चाहेंगे पर कोई निष्कर्ष पर नहीं निकल पाएंगे। And they simply spend their time arguing. This is right. You're wrong. I'm right. Everyone wants to establish their own opinion. केवल वो एक दूसरे से विवाद करेंगे, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मैं सही हूं, तुम गलत हो, इस प्रकार से बस समय बर्बाद करेंगे। So in the Mahabharata, there's the one verse spoken by Bhishma Dev, which is also there in the Chaitanya Charitamrita. महाभारत में एक श्लोक है जिसको भीष्म देव कहते हैं, जो चैतन्य चरितामृत में भी है। Right, Tarko Pratishta Shrutayo Vibhina Nasav Rishir Yasham Natam Vibhina Dharmasya Tadvam Nitam Gohayam Mahajano Yena Gita Sampanta. So Tarko Pratishta, dry arguments are inconclusive. तो ये श्लोक है जो महाराज ने कहा, तर्क प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, के इसका अंत में इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक दूसरे से जो सूखे विवाद करना, लड़ाइयां करना, इससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। Just to argue back and forth, this one, this opinion, that opinion, this is the symptoms of the age of Kali. People will waste their time in useless argument. तो एक दूसरे से लड़ाई करना, आगे पीछे विवाद करना, ये कलयुग का लक्षण है। लोग केवल समय बर्बाद करेंगे इस प्रकार से एक दूसरे से लड़के। So devotees of the Lord are very careful not to be drawn into these useless debates. तो भगवान के जो भक्त हैं वो बहुत सावधान रहते हैं कि इस प्रकार के बिना कोई लाभ के विवादों में नहीं फंसते हैं। The devotee wants to simply utilize his time for the service of the Supreme Lord. भक्त केवल अपना समय उपयोग करना चाहता है भगवान की सेवा के लिए। There's no purpose there. I simply argue. केवल एक दूसरे से विवाद करके कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। But the common people are not able to give it up. It's their sense gratification. परंतु आम आदमी इसको छोड़ नहीं पाता है, ये उसकी इंद्रिय तृप्ति है। So the verse then says, study the scriptures also. You'll come to different conclusions. तो अगर इस प्रकार से हम अगर शास्त्र को भी पढ़ेंगे तो भी हम अलग अलग निष्कर्ष पे निकलेंगे। Shrutayo vibhina, shruti, the study the Vedas, you get so many different conclusions. तो shrutayo vibhina, अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो भी अलग अलग निष्कर्ष को पाएंगे। That is why the sages, so many thousands of sages all gathered in Naimasharanya for the beginning of Kali Yuga. Because they knew there was so much confusion about what's the real purpose of the scriptures. इसलिए इतने सारे साधु नैमिषारण्य में एक साथ एकत्रित हुए, क्योंकि इतना उनको इतना
इतनी शंका थी कि वाकई में शास्त्र का निष्कर्ष क्या है। And then the verse says, the Munis, the great thinkers, the rishis, they one man will come up with one conclusion, then someone else will defeat that, and then someone will come along and defeat him, and this way they'll never come to any real conclusion. और इस प्रकार से जो ऋषि मुनि है वो कोई एक कुछ मत रखेगा, फिर दूसरा आके उसको हराएगा, फिर कोई आके उसको हराएगा, इस प्रकार से सही निष्कर्ष क्या है वो उस पर नहीं उतर आएंगे। But the verse continues that the absolute truth is hidden in the heart of the pure devotees. परंतु आगे श्लोक में बताया गया है कि जो परम सत्य है वो भक्तों के हृदय में छुपा हुआ है। And if you just follow in the footsteps of the pure devotees, then the absolute truth will be revealed. और अगर हम शुद्ध भक्त के चरण कमलों का अनुसरण करेंगे तो परम सत्य हमारे सामने प्रदर्शित होगा। And who are these pure devotees? Of course, these are mentioned authorities of devotional service, the Mahajans. और ये शुद्ध भक्त कौन है इसका भी वर्णन कहा किया गया है, ये प्रामाणिक भक्त हैं जिनको महाजन कहा गया है। So people who are in knowledge, they understand who to actually follow. तो लोग जो ज्ञान में हैं वो समझते हैं वाकई में किसका अनुसरण करना है। They will not waste their time in so much useless argument. वो अपना समय इस प्रकार के तर्क वितर्क और विवाद में नहीं गवाएंगे। Which is just another influence of the Kali Yuga. ये और कुछ नहीं है, बस कलयुग का एक और प्रभाव है। The devotees experiencing bliss by cultivating their Krishna consciousness. भक्त आनंद का अनुभव करते हैं कृष्ण भावना अमृत विकसित करते हुए। So we don't want to get caught up in so many futile arguments. तो हम फंसना नहीं चाहते हैं इस प्रकार के बिना कोई मतलब के विवादों में। So Kali Yuga, the symptoms of the age of Kali, very prominent. We can see people engaging in so many sinful activities. तो कलयुग का प्रभाव हम देखते हैं इतना बढ़ते जाता है, लोग इतने सारे पाप के कामों में लगे हुए हैं। And even the so-called pious people, people who are not engaged in the grossly sinful activities, they engage in this also sin, in sinful activity by speculating, trying to understand the absolute truth. और जो इस प्रकार के तथाकथित पुण्यवान लोग हैं, हालांकि वो कोई गंभीर रूप के पाप में नहीं लगे हुए हैं, परंतु वो इस प्रकार के कार्य में लगे होते हैं, वो अपने मन से ही भगवान को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार के विवादों में लगे होते हैं। Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita four kinds of people who never surrender to him. भगवान कृष्ण भगवद गीता में वर्णन करते हैं चार प्रकार के व्यक्तियों का जो कभी उनके शरण में नहीं आते। नमम दुष्कृति न मुधा प्रपद्यन्ते नरादमा माया अपरित ज्ञानम असुरम भवमाश्रिता. Four kinds of impious people they never surrender to. नमाम दुष्कृतिनम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधनो माया अपरेत ज्ञान आसुरिम भाव माश्रिता। चार प्रकार के व्यक्ति हैं जो पुण्यवान नहीं है, जो कभी भी भगवान को शरण नहीं लेंगे। So you've got the foolish people like the mudhas who just simply work all the time. तो इसमें पहला जो श्रेणी है लोगों का वो ये है जो मूढ़ा व्यक्ति हैं, जो हमेशा सिर्फ काम करते रहते हैं। And then you've got people who are naradamas. That they may have a good birth, they may be born in a very educated, cultured family, but they're not able to take advantage of the good birth. फिर नराधमा है, वो व्यक्ति हैं जिनका अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, पर वो अपने अच्छे जन्म का लाभ नहीं उठाते हैं। They spend their time just simply speculating and trying to understand everything by their own efforts. वो केवल अपना समय बर्बाद बर्बाद करते हैं, अपने मन से काल्पनिक विचार से खुद ही सोचते रहते हैं क्या सच है, और इस प्रकार का अपना समय और प्रयास बर्बाद करते हैं। But always be too short in trying to understand the Supreme Lord. हमेशा वो कम ही गिरेंगे भगवान को समझने के विषय में। Just like Mother Yashoda was trying to bind up Krishna, but her rope was always too short. जैसे माँ यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी,
पर हर समय उनकी रस्सी छोटी ही थी। And she got more rope and more rope, and but the rope was always too short. परंतु उनको और रस्सी मिली और रस्सी मिली, परंतु हर समय रस्सी छोटी ही थी। And the same way, the impersonalists and the jnanis, the specular, they will always be two fingers short in trying to understand the absolute truth. इस प्रकार से निराकारवादी और ये जो मन से कल्पना करके सोचते हैं, वो हमेशा उनकी भी दो उंगलियां कम ही रहेंगी भगवान को समझने में। We just simply have to hear. We have to hear from Krishna and from Krishna's representative. हमें केवल सुनना है कृष्ण से और कृष्ण के प्रतिनिधि से। We can never come to the conclusion just simply by our own efforts, but we need the mercy of Krishna. हम केवल निष्कर्ष पे नहीं आ सकते हैं अपने प्रयास से, हमको भगवान की कृपा चाहिए। We give that example. Just like you want to see the sun, but if it's the middle of the night, you'll never see the sun. वो उदाहरण उदाहरण देते हैं कि अगर आपको सूर्य को देखना है और बिल्कुल बीच रात है, तो आप कभी सूर्य को नहीं देख पाओगे। But if you wait till the morning, in the morning time, then the sun rises on its own accord. By the mercy of the sun, you're able to have sunlight. परंतु अगर आप सवेरे होने तक रुकेंगे तो सूर्य खुद ही उत्पन्न होगा और सूर्य की कृपा से आपको सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। But to try to understand by your own efforts, then you'll get nowhere. परंतु अगर हम अपने प्रयास से खोजने का अपने अपने प्रयासों से सूर्य को पाने का प्रयास करेंगे तो कहीं नहीं बढ़ेंगे। So devotees of the Lord, they will not waste their time in all of this foolish argument. तो भगवान के भक्त इस प्रकार के बेवकूफी के तर्क वितर्क में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। Because they're having so much pleasure engaging in Krishna consciousness. क्योंकि वो इतने आनंद में है कृष्ण भावनामृत में भाग लेके। The happiness of Krishna consciousness can never be compared to any pleasure on the material platform. कृष्ण भावनामृत से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना कोई भी भौतिक खुशी से नहीं की जा सकती है। The devotees are getting that param drishtva which Bhagavad Gita describes. भक्तों को परम दृष्टवा प्राप्त होता है जिसका वर्णन भगवद गीता में किया गया है। The other people, they're trying to mechanically restrain their senses to experience some spiritual platform, to come to the platform of Brahman. So they make advancement very slowly with great difficulty. तो दूसरे व्यक्ति अपने इंद्रिय को बिना कुछ कार्य किए काबू में रखना की कोशिश करते हैं, ब्राह्मण को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु उनको इस प्रक्रिया में बहुत तकलीफें प्राप्त होती है। विषय विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिनः रसवर्ज्यम् रसोपीयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, but the taste for sense objects remains. But ceasing the pleasure by experiencing higher taste, one is fixed in consciousness. ये श्लोक है, विषय अभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो अगर कोई व्यक्ति बस एक तरीके से अपने इंद्रिय को विषय भोगों से रोकने का प्रयास करता है बिना कोई और कार्य किए, तो वो इंद्रिय को रोक लेता है, लेकिन इंद्रिय विषय की जो अभी तक उसकी आसक्ति है, जो रस है उसका इंद्रिय विषय में, वो अभी तक रहता है, वो नहीं वो त्याग पाता। परंतु अगर कोई व्यक्ति ये कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगता है, उस रस से प्राप्त परम रस को जो प्राप्त करता है, तो ये जो छोटा रस है वो आराम से त्याग कर सकता है। So the devotees are experiencing that higher taste by practical realization, just by engaging themselves in the service of Krishna. तो भक्त इस परम रस का आस्वादन कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको इसका साक्षात्कार होता है भगवान की सेवा में लगकर। Serve the deity, they may serve the Vaishnavas, cooking for the deities, they may clean the temple,
They may take part in the kirtan, do Harinam Sankirtan. They're feeling pleasure, all these activities. So, Vigraha ki seva karke, Vaishnavo ki seva karke, Mandir ko saaf karke, Vigraha ke liye paka ke, Harinam kirtan karke, is prakar se vibhin adhyatmik karyo mein bhakto ko anand anubhav hota hai. So this is bhakti yoga. It's like that. It's not difficult. It's very easily performed, very joyfully performed. So bhakti yoga aise hai, ye kathit nahi hai. Bahut aasani se isko kar sakte hai aur bahut anand se isko kar sakte hai. People sometimes think, oh, the devotees, they're just poor people. Unfortunate. They think they're unfortunate people, that they have no... They have no good job. They have nothing. They have nothing in material world. But actually, the devotees are the most fortunate people because they're engaging in the service of the Supreme Lord, which is eternal. It's a sanatan dharma, the eternal activity of the soul. Kabhi-kabhi logon ko lagta hai ki bhakt itne durbhagi hain, bhakt gareeb hain, unko kuch bhautik संपत्ति नहीं है भौतिक नौकरी नहीं है इसलिए वो भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं परंतु ये हकीकत नहीं है भक्त का दुर्भाग्य नहीं है भक्त तो बहुत उनका सौभाग्य है इसी कारण से वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं It's the devotees who are having their experience at every moment, the pleasure of Krishna consciousness, chanting and dancing, taking prasadam. They're experiencing nectar at every moment. It's increasing, it's dynamic, it's not a dry situation. तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो हर समय कृष्ण भावनामृत का आनंद अनुभव कर रहे हैं भगवान की सेवा में और ये आनंद बढ़ते ही जा रहा है उनकी स्थिति ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में बहुत सूखे पड़ गए हैं नहीं वो तो भगवान की सेवा में आनंद में है And if you're not experiencing that, then you're doing something wrong. और अगर आप इस प्रकार का आनंद अनुभव नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं You need to find out what's going on, what's going wrong. आपको ढूंढना है क्या चल रहा है क्या गलत हो रहा है You have to take shelter of the association of devotees. आपको भक्तों के संघ का आश्रय लेना है In that association of devotees, then everything becomes pleasure. और उस प्रकार के भक्तों के संग में सब कुछ आनंद में होता है सतम प्रसंगम मम वीर संविदो भवंति रत्कारना रसायन कथा द टॉपिक्स ऑफ कृष्ण हर्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वेरी प्लीजिंग टू द ईयर एंड टू द हार्ट तो इस श्लोक के माध्यम से रत्कारना रसायन कथा के जो भगवान का कथा है जो भक्तों के संग में सुनते हैं तो बहुत आनंद प्रदान करता है हमारे कानों को और हमारे हृदय को It's meant to go to the heart, not just to go in the ear and out the other ear. It's meant to go into the heart and stay there. तो ये भगवान की कथा हृदय में जानी चाहिए केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कान में जाके दूसरे कान से बाहर जा रही है इसको हृदय में जाना है और वहां पर रुकना है Okay, we'll stop here. We'll ask if there's any questions. ठीक है हम यहाँ पर रुकेंगे और देखेंगे कोई प्रश्न है क्या चैट चैट देयर इज समथिंग या चैट का मैं पढूं प्रभु जी जी यस प्रभु प्लीज ओके हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम योर एनलाइटनिंग क्लास हैज इंस्पायर्ड मी ग्रेटली एंड आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस regarding the attainment of full cross Krishna consciousness and the eradication of false ego. First question, he has four questions. First question is the realization of full Krishna consciousness unattainable without experiencing a higher taste in devotional activities? Second question, to what extent does the practice of book distribution contribute to the diminishing of false ego? Third question, is it invariably true that the most effective methods of purifying the false ego are initially bitter or arduous? And the fourth question,
how can one discern that they are fully, that they are truly taking shelter of Krishna in their daily endeavors? Thank you for your profound insight and guidance. Yours in humble service, Pavan. तो आई विल ट्रांसलेट. तो प्रभु जी का चार प्रश्न है. क्या बिना भक्ति में गतिविधियों में उच्च स्वाद का अनुभव किए पूर्ण कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति असंभव है? पुस्तक वितरण की प्रक्रिया मिथ्या अहंकार को कम करने में कितनी प्रभावी है? क्या यह हमेशा सत्य है कि मिथ्या अहंकार को शुद्ध करने के सर्वोत्तम उपाय प्रारंभ में कड़वे या कठिन होते हैं? और आखिरी प्रश्न पवन प्रभु का, हम कैसे जान सकते हैं कि हम अपने दैनिक प्रयासों में वास्तव में कृष्ण की शरण ले रहे हैं? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रियलाइजेशन ऑफ फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस अटेनेबल विदाउट एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट इन डिवोशनल एक्टिविटीज. देयर मस्ट बी अ हायर टेस्ट इन डिवोशनल एक्टिविटीज. यू हैव टू हैव अ चेंज इन हार्ट. यू हैव टू हैव सम रियलाइजेशन दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज गिविंग यू दैट हाई दैट ट्रेंड दैट हायर प्लेजर फार अबव एनीथिंग यू कैन एक्सपीरियंस इन मटेरियल लाइफ. तो हाँ, ऊंचा स्वाद होना जरूरी है. आपके हृदय में बदलाव होना चाहिए. ऊंचे स्वाद का आपको साक्षात्कार होना चाहिए. आपको ये साक्षात्कार होना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत का सुख है, वो कोई भी और भौतिक वस्तु से और परे और उत्तम है. सेकेंड क्वेश्चन इज, टू व्हाट एक्सटेंट डज द प्रैक्टिस ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिमिनिशिंग ऑफ फॉल्स ईगो? Yes, book distribution, very powerful process to help you become humble, to get rid of the false ego. हाँ, पुस्तक वितरण की क्रिया बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है आपके झूठे अहंकार को कमती करने के लिए. To go out with books and try to distribute them, present them to people, it's a very powerful purification process. पुस्तक लेके बाहर जाना, लोगों को प्रस्तुत करना, ये बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है. So yes, it's very helpful if you can, but the mood has to be right. You have to distribute books in the right mood. परंतु आपकी मनोस्थिति सही होनी है. आपको सही मनोस्थिति में पुस्तक वितरण करना है. It's not just go out there and hold the book mechanically. You have to really humble yourself. ऐसे नहीं है वहां जाके केवल पुस्तक लेके खड़े हो जाना है. आपको अपने आप को विनम्र भाव में लाना है. So when you're very humble, when you take that humble mood, then certainly it will have an effect. तो अगर आप विनम्र है, विनम्र मनोभाव रखेंगे तो जरूर असर पड़ेगा. थर्ड क्वेश्चन इज इट इनवेरिएबली True that the most effective methods of purifying the false ego are initially bitter or arduous. Yes, they sometimes say like that, that it, you may have some, you know, bitterness or difficulties there in the beginning. हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये प्रक्रियाओं को करने में शुरुआत में आपको कड़वाहट लगे. Sometimes Krishna may take away things which you're very attached to. कभी-कभी कृष्ण वो वस्तुएं ले लेंगे जिनसे आप आसक्त हो. कृष्ण मे टेक अवे योर मटेरियल वेल्थ, मे टेक अवे योर पोजीशन, योर कंफर्ट, मे टेक अवे थिंग्स इन ऑर्डर टू फ्री अस टू सरेंडर मोर टू हिम. कृष्ण आपका भौतिक धन, आपका भौतिक आराम, आपकी भौतिक स्थिति ले सकते हैं. अगर हम इन चीजों से आसक्त हैं तो भगवान ये ले लेंगे हमको इनसे मुक्त करने के लिए. So yes, but that bitterness, that is purifying for us. परंतु वो कड़वाहट हमारे लिए शुद्धिकरण का माध्यम है. The bitter taste is because of our attachment to the material existence. जो कड़वे कड़वा स्वाद हमें आ रहा है वो हमारी भौतिक आसक्ति के कारण है. But when we lose that attachment to the material existence, then we will not experience the bitter taste anymore. परंतु जब हम अपनी वो भौतिक आसक्ति छोड़ देंगे तो हमको और कड़वाहट नहीं महसूस होगी. Acharyas give the example, just like you may have an infected eye,
So the doctor may give some ointment to put on the eye, and it may sting when you first put the ointment, but that stinging will help to cure the disease. आचार्य उदाहरण देते हैं, आपकी आंख बीमार हो सकती है और आपकी आंख में डालने के लिए आपको चिकित्सक दवा देगा, तो जब आप वो दवा डालोगे तो पहले वो दवा चुभेगी आपको, परंतु वो चुभना वही दवा आपका इलाज करेगी। So don't mind a little difficulty in the beginning. It's for a purification. तो इसलिए शुरुआत में जो थोड़ी कठिनाई है उसको, उसके बारे में उसको ज्यादा मत सोचिए, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए। ओके लास्ट या आनंद किशोर प्रभु, वन मोर क्वेश्चन इज देयर इन द चैट। हाउ कैन वन डिस्कर्न दैट दे आर ट्रूली टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा इन देयर डेली एंडेवर्स? How can one understand that we're truly taking shelter? We can understand this by how much we're losing our taste for materialistic activities. तो वास्तव में हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं या नहीं, ये हम समझ सकते हैं कि कितना हम, हमें जो भौतिक कार्यों में रस है वो हम खो रहे हैं। Just like when you eat food, you lose your hunger. As you go on eating, you lose your hunger. And you feel more strength and satisfaction and pleasure. जैसे आप जब भोजन लेते हो तो आप अपनी भूख को खो रहे हो और उसके साथ साथ आपको संतुष्टि और आनंद प्राप्त हो रहा है। So in the same way as we are doing devotional service, we will feel more relief from the material energy. उसी प्रकार से जितना हम भक्ति का आश्रय लेंगे, हमको मुक्ति अनुभव होगी भौतिक शक्ति से। And we will get more. More, we'll feel more and more pleasure in the engaging in the service. और आनंद अनुभव होगा कृष्ण की सेवा में। Yes. हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। Feeling so much blessed to listen today's प्रवचन, it has cleared so many questions in my mind. हरे कृष्ण महाराज, पैम हो, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. थैंक यू फॉर नेक्टेरियन क्लास एंड गाइडेंस, अमृतमय कथा और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मे आई प्लीज आस्क, क्या मैं पूछ सकती हूँ? लिविंग इन मटीरियल वर्ल्ड, इनवेरिएबली समटाइम्स आई गेट सो अफेक्टेड बाय सिचुएशंस, भौतिक जगत में जीते हुए कई बार मैं घटनाओं से बहुत प्रभावित हो जाती हूँ बाय सिचुएशंस और इवेंट्स एंड गेट सो कॉट अप इन इट, और उनमें इतनी तरह फंस जाती हूँ। And at those times, I lose sight of Shri Krishna being the ultimate master. और उस समय मैं ये दृष्टि खो लेती हूँ कि भगवान परम प्रभु हैं. And just following what His Divine Grace Srila Prabhupada has taught. और उस समय मैं ये पालन नहीं कर पाती हूँ जो Srila Prabhupada ने सिखाया है. In those times, how can I sincerely surrender to the Lord? उस समय मैं कैसे भगवान का ईमानदारी से शरण लूँ? In a practical way, व्यक्तिगत रूप से, and not let material things get the better of me, और ऐसा ना हो कि ये भौतिक चीजें जो मेरा अच्छा भाग है वो मुझसे छीन ले। Your humble servant. Yes, we can. You can do this. If the more you take shelter of the holy name of Krishna, when you feel yourself being influenced by the material energy, then you have to call out to Krishna. You have to shout. Have to call the name of the Lord with more feeling. तो ये आप कर सकते हैं भगवान के नाम का शरण लेके। जब आपको अनुभव हो रहा है कि आप भौतिक शक्ति में फंस रहे हो, तो आपको भगवान के नाम का आश्रय लेना है और भावना के साथ भगवान के नाम को पुकारना है। Just like Draupadi, when they were trying to rip off her sari, she just had to surrender to Krishna. She put both arms up in the air and she called out to Krishna. And Krishna came as her unlimited sari. तो जैसे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, उसने ईमानदारी की भावना से भगवान का नाम पुकारा और अपने दोनों हाथ ऊपर आकाश में उठाए और कृष्णा वहां प्रस्तुत हुए बिना सीमा की साड़ी बनके। So the same way you feel the material energy also disturbing you, you have to call out to Krishna to help you, to save you. तो अगर आपको भी लगता है कि भौतिक शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो आपको भी कृष्णा का नाम पुकारना है अपनी रक्षा करने के लिए। कृष्णा कम्स, कृष्णा कम्स, इज हिज होली नेम एंड ही विल प्रोटेक्ट यू।
कृष्णा आते हैं, कृष्णा आते हैं अपने नाम के माध्यम से और आपकी रक्षा करेंगे। So do more chanting, sing more the songs of Krishna. और ज्यादा जप कीजिए, और ज्यादा गीत गाइए कृष्ण के विषय में। Chant the slokas of Bhagavad Gita, chant some verses from Bhagavatam. भगवत गीता के श्लोक को जपिए, श्रीमद भागवतम के श्लोकों को जपिए। Take shelter of devotional service. भक्ति का आश्रय लीजिए। ओके, हरे कृष्णा। चैट के सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं अभी। और कोई भक्त का प्रश्न है तो कृपया महाराज से भक्त आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। कोई भक्त का प्रश्न है तो कृपया महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, आई थिंक नो क्वेश्चंस। ओके, सो व्हेन यू फिनिश इट देन। ओके, हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द वंडरफुल क्लास एंड नेक्टेरियन सेशन। सो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मोर सच वंडरफुल क्लास फ्रॉम योर लोटस माउथ प्रभु महाराज। थैंक यू सो मच। वंशा कल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभ्यो च भजतानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नंदकिशोर प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मंडे मंडे परमानंद प्रभु, मंडे फिर है ना महाराज का? यस यस प्रभु। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। तो मैं अभी आमंत्रित करता हूँ जय गोविंद प्रभु को दामोदर देश यात्रा की तरफ से कुछ घोषणा है तो आप कृपया प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सेवन। या हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्लिगेशंस। ड्यूटीज, कल संडे है, कल हमारा प्रोग्राम है रीजेंट इंटरनेशनल स्कूल में। महाराज जी आएंगे एंड महाराज जी आके हमको मृत्यु के बारे में बताने वाला है, तो डोंट मिस द सेशन। और इसके साथ साथ महाराज बिहारी प्रभु के लिए वैष्णव भंडार भी होगा कल। आइए, वहाँ पर सुंदर डीटी दर्शन होगा, कथा होगा और साथ साथ में प्रसाद भी होगा। हरे कृष्णा। तो हम प्रेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य जयपताक स्वामी महाराज के लिए प्रार्थना करते हैं। हिज ग्रेस पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु के लिए और हर ग्रेस श्याम सुंदर माता जी के लिए, उद्धव प्रेष्ठ प्रभु के लिए, मुकेश अदनानी प्रभु के लिए, गोविंद राम गंगानी प्रभु के लिए,